अगर आप इन सब चीजों में फंसे, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप ये मत घबराइए कि मेरी फोटो जो कि इंटीमेट थी या मेरी वीडियो जो कि इंटीमेट थी वो कोई बाहर निकाल देगा तो मेरे पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेगी, सोशली लोग मुझे अवॉइड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रुकिए, कोई भी इंसिडेंट अगर आप बाहर निकल के आते हैं, मैं तेरी ये वीडियो या फोटो वायरल कर दूंगा, उसको एक ही बात बोलनी है, कर दे, पैसे नहीं देने, ध्यान रखना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ब्लैकमेल कर रहे हैं, गलत काम नहीं, तेरी जो इच्छा में हो जो कर ले, क्यों, कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज भी ना 3 या 4 दिन ही लोग याद रखते हैं, तो इतनी सी बात के लिए अपनी जिंदगी को खत्म करने की जरूरत नहीं है। ये सेक्सटोर्शन वाला प्लान उनका फ्लॉप करवाना, पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा अगर कोई काम करता है और अगर आपने साइबर सेल को शिकायत कर दी या पुलिस को शिकायत कर दी तो वो पकड़ा जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं होता, जिसके पास फोटोज या वीडियोस होती है इतना आसान नहीं है, पब्लिक कर देगा, पब्लिक कर भी देगा तो 3-4 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब आप सामने निकल के आते हैं ना, एक तो आपने क्या किया, उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आए, उसकी बातों में नहीं आए, और उस आपने हिम्मत दिखाई, उसको प्यार किया था, गुना नहीं किया था, ब्लैकमेलिंग नो, सेक्सटोर्शन नो, अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है देना नहीं, और उसको एक ही बात बोलनी है, तेरी जो इच्छा हो जो तू कर ले। शाबाश बेटा।